हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप थंबनेल से पढ़ पा रहे हो कि ₹2000 की नोट बंद होने वाली है, यानी कि जल्दी हमें बाय बाय बोलने वाली है। तो इसके बारे में हम पूरी बात इस वीडियो में जानने वाले हैं, क्योंकि जो ये 2000 की नोट बंद होने वाली है इसके बारे में लोगों में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हम उसके इम्पोर्टेंट आंसर देखने वाले हैं। तो ₹2000 की नोट जो ये बंद होने वाली है इसके रिगार्डिंग डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़ी रहे एंड तक। तो आइए चलो जानते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या है और उसके आंसर क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ₹2000 की नोट है वो क्या लीगल टेंडर स्टेटस अभी भी है इसका? तो आंसर है यस। अभी भी मैं 22 मई को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो अभी भी इसका 2000 की नोट का लीगल टेंडर स्टेटस है। ये फर्स्ट आंसर है। देन सेकेंड में ऐसा है कि क्या 2000 की नोट हम नॉर्मल ट्रांजेक्शन में यूज कर सकते हैं? तो अगेन आंसर है यस, क्योंकि अभी लीगल टेंडर स्टेटस है 2000 की नोट का, तो हम इसका रिसीव पेमेंट यानी कोई भी खर्चे के लिए यूज कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। यस, तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन में भी 2000 की नोट का हम यूज कर सकते हैं। देन 2000 की नोट का डिनोमिनेशन पब्लिक के पास है, तो इसका क्या करें? यस, से सपोज कि आपके पास 1 करोड़ का 2000 रुपीज का नोट है, तो उसका क्या करें? तो उसका सिंपल, आपको आपके ब्रांच, बैंक की ब्रांच पे जाना है, डिपॉजिट करवा सकते हो या एक्सचेंज करवा सकते हो जो 2000 का नोट आपके पास है उसका। और ये जो फैसिलिटी अभी गवर्नमेंट आरबीआई ने अभी ये फैसिलिटी अवेलेबल करी है टिल 30 सितंबर 2023। तो ये हमारी ड्यू डेट है, जिस तब तक हमें इसका डिपॉजिट या एक्सचेंज करवा लेना है जो 2000 नोट है उसका। देन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो 2000 की नोट है वो डिपॉजिट करने के लिए कोई लिमिट है? यानी कि से सपोज मेरे के पास 2 करोड़ का 2000 रुपीज का नोट है, तो क्या वो मैं कोई लिमिट है कि मैं 1 CR तक ही कर सकती हूँ या 50 लाख तक ही कर सकती हूँ? तो आंसर है ऐसी कोई लिमिट नहीं है। विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन आप 2000 की नोट बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो, सब्जेक्ट टू आपकी बैंक का कोई भी नॉर्म से, KYC नॉर्म से, जो भी एप्लीकेबल स्टेचुटरी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है वो आपको कंप्लाई करके आप 2000 की नोट डिपॉजिट कर सकते हो, इनटू योर बैंक अकाउंट। देन अगेन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये 2000 की नोट एक्सचेंज, हमने जैसे पहले देखा था कि आप एक्सचेंज कर सकते हो या डिपॉजिट कर सकते हो, तो डिपॉजिट में कोई लिमिट नहीं है। बट एक्सचेंज में 2000 का जो नोट है वो आप एक्सचेंज करवा सकते हो अप टू ₹1 इन अ सिंगल डे एट वन टाइम 20,000। यानी कि आप बैंक में जाते हो 20,000 का 2000 का नोट लेके, तो आपको 20,000 एट ए टाइम ऑन अ सिंगल डे आप एक्सचेंज करवा सकते हो। तो एक्सचेंज में रिस्ट्रिक्शन है, डिपॉजिट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सब्जेक्ट तो हमने देखा था कि KYC या जो भी बैंक का रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करके। देन यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट अभी मार्क कर लेते हैं कि ये जो एक्सचेंज फैसिलिटी है वो कब तक अवेलेबल होगी, कब से चालू होने वाली है। तो 22 तारीख को मैं ये वीडियो अपलोड बना रही हूँ। देन इट इज चालू होने वाली है, यानी कल से, यानी 23 मई से ही ये फैसिलिटी, एक्सचेंज फैसिलिटी चालू होने वाली है। तो आप बी रेडी फॉर द सेम। यस, देन जो हम एक्सचेंज करवा रहे 2000 रुपीज नोट का, तो यहाँ पे कोई बैंक फी चार्ज करेगी, यानी कोई चार्जेस लगेगा? तो आंसर है नो, कोई भी एक्सचेंज फैसिलिटीज के चार्ज नहीं लगने वाले, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो हमने पूरे इम्पोर्टेंट FAQs डिस्कस किए। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आपके इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस थे तो उसका आपको आंसर मिल गया है। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।